के टीवी स्क्रीन पे और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ भी इस चर्चा में शामिल हो गई हैं और साथ में रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले मंजू जी, मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, उनका शानदार स्वागत हुआ है। एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट, आप इस दौरे को किस तरह से देख रही हैं? कितना अहम है भारत और फ्रांस के नजरिए के लिए दौरा? ये बहुत ही एक अहम विजिट है और जो स्पेशल आपने देखा एयरपोर्ट पे भी स्पेशल वेलकम दिया गया है, ये एक और इंडिकेशन है कि फ्रांस और इंडिया के जो टाइज हैं बहुत मजबूत होते चले जा रहे हैं। और ये 25th एनिवर्सरी है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और ये इसी एक जो अगले साल अगले 25 सालों के लिए भी इस विजिट के दौरान एक विजन के बारे में डिस्कशन होगी और डिफेंस के लिहाज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जनरल हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और हमारे इकोनॉमिक टाइज, मेक इन इंडिया और स्पेस और हर एक एरिया में ये हमारी कोलैबोरेशन बढ़ेगी और ये मेक इन इंडिया का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉपिंग की भी बात की जा रही है, हम ऑलरेडी बन चुके हैं बट और भी बनेंगे और इंजन्स लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स यहाँ बनेंगे, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हमारी दोनों की कोलैबोरेशन होगी और मेक इन इंडिया के तहत ये एक और स्टेप है आगे इसको कोलैबोरेशन को ले जाना, पार्टनरशिप को ले जाना। और फ्रांस एक इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है हमारे बहुत सालों से रहा है और ये लास्ट टाइम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ चीफ गेस्ट बस्टील डे पे थे 2009 में तो तब भी बहुत अच्छी उनका स्वागत हुआ था। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा और एक एलिमेंट है दोनों की जो रिलेशनशिप में एक और चीज आ गई है कि इंडो पैसिफिक का जो महत्वपूर्ण महत्व है और इंडियन ओशन का जो महत्व है वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, चीन का जो रवैया है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप जो है ये बहुत पार्टनरशिप इस चेंजिंग बदलती जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में बहुत अहम है।